तो आखिर जनता दल यू में चल क्या रहा है? क्या विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं? नीतीश कुमार कांग्रेस से दूरी दिखाना चाहते हैं? और साथ ही कुशवाहा की अगर बात करें तो वो क्या चाहते हैं? क्या वो बीजेपी में जाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन उपाध्याय जी हैं, कार्यकारी संपादक द पायनियर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे कि पहली बात तो ये कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है श्रीनगर में, उसमें पहले कहा गया था कि जेडीयू जाएगा, लेकिन अब कह दिया गया कि नहीं जाएंगे क्योंकि नागालैंड के चुनाव में व्यस्त है। तो ये क्या संकेत देना चाहते हैं नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को? देखिए, संकेत स्पष्ट है। अगर मान लीजिए पार्टी के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था ललन कुमार सिंह को, वो अगर नहीं जा पा सकते हैं तो पार्टी किसी दूसरे को नॉमिनेट कर सकती थी, मैसेज भेज सकती थी कि वी आर टुगेदर। तो समवेयर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक तटस्थ भूमिका में दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि वो कांग्रेस के साथ एकदम नहीं जुड़े हुए, कीपिंग हिज ऑप्शन ओपन। ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स भी रहता है। बट जो जिस तरीके से नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हुए थे और जिस तरीके से वो विपक्षी एकता को लेकर चल रहे थे, कहीं ना कहीं उस मुहिम में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमी आई है उनके लेवल पर। तो उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके कारण ये था कि उस समय राहुल गांधी की यात्रा नहीं हुई थी और राहुल गांधी एक फॉर्मिडेबल कंटेंडर के रूप में पीएम पोस्ट के रूप में नहीं निकले थे, जिसके कारण बहुत सारे संभावनाएं खुल गई थी नीतीश जी के लिए भी। तो वो भी एक चीज रह सकती है जी। तो नेचुरली आपका कहना यह सही कि कहीं ना कहीं ये एक दूरी दिखाई दे रही है जेडीयू और कांग्रेस के बीच में। लेकिन नवीन जी, आप बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं बिहार की राजनीति को, उठापटक पर आप बहुत करीब से नजर रखते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि नीतीश कुमार अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, तो इसको किस तरह समझा जाए? नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के करीब जाने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, उसको हम रूल आउट करते हैं कंप्लीट, वो हम एकदम कंप्लीट वो नहीं होने वाला है। लेकिन ये देखिए, तरह तरह के जो फ्रंट बनने की कोशिश हो रही है उसमें वो एक न्यूट्रल रूप पार्टी के रूप में शायद वो दिखना चाहते हैं, ताकि वो काफी लोगों के साथ रीच आउट कर सके। मेरे ये नहीं, हमने ये नहीं मानते हैं कि बीजेपी के साथ दोबारा जाएंगे, वो हमारे अनुसार दैट इज रूल्ड आउट कंप्लीटली। लेकिन आई थिंक वो अपना एक न्यूट्रल पोजिशन रखना चाह रहे हैं ताकि वो अपोजिशन की यूनिटी को लेकर ही कुड प्ले लार्जर रोल, ताकि वो केसीआर से भी पहले बात हुई थी। हाँ। और केसीआर एक अलग फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ही पोजिशनिंग हिमसेल्फ कि ताकि वो एक न्यूट्रल प्लेयर के रूप में दिखाई दे और कांग्रेस के एक्सटेंशन के रूप में नहीं दिखाई। ठीक है, तो आपने पूरी तरह से खारिज कर दिया इस संभावना को कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या? जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बयान आ रहे हैं और जब वो यहाँ एम्स में भर्ती थे, यहाँ कई बीजेपी के नेताओं से मिलने गए, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपना एक अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं और आखिरकार ये रास्ता जाकर बीजेपी में मिलेगा? श्योर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम उतना ही इस चीज के लिए श्योर है जितना इस चीज के लिए श्योर है कि नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में जाना तय है, इसमें आप डाउट मत रखिए। जो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, कहे कि जब ये आए थे जेडीयू में, दोबारा उसी समय से ये चर्चा है कि कितने दिन ये रहेंगे यहाँ पर। वो देखिए, अगर आप उपेंद्र कुशवाहा जो आज सवाल ये उठा रहे हैं कि उनको ये पता नहीं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्या डील हुई है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। क्या कि उपेंद्र कुशवाहा उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थे और उनके उस समय के बयान आप देखिएगा तो उन्होंने काफी इसमें खुशी जाहिर की थी और ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, वो बैकडोर नेगोशिएशन में इन्वॉल्व थे। तो ये कहना कि उनको कोई जानकारी नहीं कि क्या दोनों पार्टी के बीच में तय हुआ है, वो हास्यास्पद है। लेकिन नवीन जी, जाते जाते आपसे एक सवाल अंत में पूछना चाहूंगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था तो ये कहा गया था कि चूंकि जेडीयू कमजोर हुई, पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंच गई, और इसीलिए लव कुश एकता जो है उसको मजबूत करने के लिए जरूरी कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाया जाए। तो अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या जेडीयू कमजोर होगी इससे या फिर और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर है और अभी हुआ यह है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में संबंध जब हो गए हैं तो नेचुरली नीतीश कुमार ने इंडिकेट किया है कि ही विल पास द मेंटल ऑन जेडीयू तेजस्वी। तो ऐसी स्थिति में इनको अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है विद इन जेडीयू। ऐसी स्थिति में वो अपना तलाश कर रहे हैं नई जगह और नेचुरली उनके जाने का इम्पैक्ट पड़ेगा इस अलायंस पर। हम नहीं कहते हैं कि नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखिए कि इनकी क्या भूमिका रहती है बीजेपी के अंदर। मेरा मानना है कि अगर बीजेपी में वो जाएंगे तो इनको कोई अहम भूमिका दी जाएगी और बिहार के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने और उसमें इनका रोल रहेगा अहम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर जेडीयू के
अंदर क्या चल रहा है और आगे क्या समीकरण बन सकते हैं।